गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम शक्ति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कार्य के बारे में अध्ययन किया था। देखते हैं शक्ति पावर क्या है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर हमने पढ़ रखा है कार्य बटे समय। क्या होता है शक्ति का सूत्र? कार्य बटे समय। शक्ति को कैपिटल पी से दिखाते हैं, डब्लू अपॉन टी। डब्लू वर्क, डब्लू कार्य को डब्लू से प्रदर्शित किया था और समय टी, तो पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। ये क्या हो गया कार्य का सूत्र। तो हमने कहा जिसमें राशि में समय का भाग लगता है उसकी दर बन जाती है। तो यहाँ कार्य में समय का भाग लग रहा है तो शक्ति क्या होगी? कार्य करने की दर। जैसे छोटी पहले पढ़ा है हमने त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ समय का भाग लग रहा था तो यहाँ बोला था वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एफ बराबर होता है यहाँ पर, तो यहाँ त्वरण ए बराबर क्या होगा? डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, वेग परिवर्तन की दर। तो ऐसे ही यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन टी कार्य बटे समय, तो कार्य करने की दर। तो किसी मशीन वस्तु व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहेंगे हम? शक्ति कहेंगे। तो शक्ति किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र हो गया पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, और W के जैसे हमने सूत्र पढ़े हैं वो अन्य सूत्रों में आ जाएंगे। तो यहाँ मेन सूत्र है कार्य बराबर शक्ति बटे समय। अब लेते हैं शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। शक्ति का एसआई मात्रक, कार्य का मात्रक लगाओ ऊपर जूल, समय का मात्रक लगाओ सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक हो गया जिसको कहते हैं हम वाट। क्या कहते हैं? वाट। जूल प्लस सेकंड, तो कार्य का मात्रक हो गया जूल, समय का सेकंड, तो शक्ति का क्या हुआ? जूल प्रति सेकंड या वाट। तो ये वाट है ना, वो छोटा मात्रक है डब्ल्यू। अन्य मात्रक, इनने बड़े मात्रक लेते हैं इसके शक्ति के, अन्य मात्रक क्या होंगे? एक किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट। यानी हम लिखें 1 kW इक्वल टू 10 की पावर 3 लिख दो या 1000 W। 1 kW, 1 kW में कितने वाट होते हैं? 1000 या 10, या कह सकते हैं हम 10 की घात 3। 1 MW, मेगावाट में विद्युत का उत्पादन होता है इकाइयों में। यहाँ जो यहाँ पर जैसे नरोरा परमाणु केंद्र है वहाँ पर जो विद्युत का उत्पादन होता है वो मेगावाट में होता है। तो 1 MW होता है 10 की पावर 6 वाट। ये और बड़ा मात्रक है, यानी 1 MW से दिखाते हैं इसको। एम मीन्स मेगा, डब्ल्यू मीन्स वाट। 1 MW में कितने होते हैं? 10 की घात 6 वाट, या हम कहें 10^6। तो ये मेगावाट हो गया। अब आता है मशीन या मोटरों की शक्ति। जैसे आपकी मोटर है, मशीन या मोटरों की शक्ति को हम हॉर्स पावर में मापते हैं आजकल। मोटरों की शक्ति किस में नापी जाती है? हॉर्स पावर में। एक अश्व शक्ति, अश्व माने घोड़ा, और शक्ति पावर, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक HP हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। इस हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं हॉर्स पावर। यानी हॉर्स
वही अश्व और पी पावर, तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं 740। मान लो आपकी मोटर 10 हॉर्स पावर की है तो कितनी होगी 7460 वाट की होगी। 5 हॉर्स पावर की है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने वाट की होगी। तो ये है शक्ति। अब लेते हैं शक्ति के अन्य सूत्र। शक्ति के अन्य सूत्र, पी बराबर अपन ने पढ़ा डब्ल्यू अपॉन टी। अब डब्ल्यू नहीं दिया हो तो एम जी एच अपॉन टी, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच भी होता है, तो एम जी एच अपॉन टी लगा सकते हैं। पी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, डब्ल्यू का मान बताया था हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और नीचे क्या लगा दोगे टी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम बी स्क्वायर बटे टू टी या हाफ एम बी स्क्वायर बटे टू टी। ये डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर गति ऊर्जा के बराबर बताई, तो हाफ एम बी स्क्वायर, अब डब्ल्यू में किसका भाग देना है टी का, तो ये भी आ जाएगा पी का सूत्र। अगर दो वेलोसिटी दी हो तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा बटे टी। ये शक्ति के अन्य सूत्र हुए। और विद्युत शक्ति जो होती है पानी, विद्युत शक्ति पी बराबर होता है बी आई, ये विद्युत शक्ति अलग है, ये यहाँ पर पी इक्वल टू बी आई, ये अब की बार हटा दी। वी इक्वल टू क्या होगा आई आर, तो वी की जगह आई आर रख दो तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे तो वी स्क्वायर ओवर आर बन जाएगा। तो ये विद्युत शक्ति के सूत्र हो गए। तो आप तो इनसे काम चल जाएगा इसमें शक्ति बराबर। अब यहाँ देखिए क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कोई 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 500 किलोग्राम पानी भरने में एक मोटर 10 मिनट का समय लेती है। कितना लेती है, 10 मिनट का समय लेती है। तो मोटर की शक्ति की गणना कीजिए। मोटर की शक्ति कितनी आएगी, तो यहाँ पर देखो ये क्या दिया है 20 मीटर, ये ऊंचाई होगी तुम्हारी, ऊंचाई h बराबर कितना है 20 मीटर। पानी द्रव्यमान ये कितना हो गया, इतने किलोग्राम, ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान कितना हुआ m बराबर 500 किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान m बराबर। पानी भरने में एक मोटर 10 मिनट का समय लेती है, समय t बराबर 10 मिनट बराबर कितना हो गया 600 सेकेंड, 600 सेकेंड हो गया। तो शक्ति की गणना कीजिए। अब शक्ति p बराबर पूछ रहे हैं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आप देखो इससे संबंधित सूत्र कौन सा है। तो इसमें देखो P बराबर निकालनी है जो इनसे संबंध हो, तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो P बराबर एम जी एच अपॉन टी, तो यहाँ पर हम शक्ति का कौन सा फॉर्मूला लेंगे, P बराबर एम जी एच अपॉन टी। तो P की वैल्यू निकल है, एम का मान कितना है देखो यहाँ पर
500 किलोग्राम है, 500 रख दिया। जी का मान नहीं दे रखा, 9.8 लगा सकते हो, क्योंकि जी का मान फिक्स होता है। जी इक्वल टू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच का मान कितना है, 200 मीटर, ओ 20 मीटर सॉरी, कितना है 20 मीटर। और समय कितना था, 10 मिनट। और मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर वाट में आंसर निकालने के लिए समय किस में निकलेगा, समय किस में निकलेगा, सेकंड में। तो ये कितना आया तुम्हारा, 600। अब दो जीरो से दो जीरो काट दिए, अब देखो ये कितने से कट रहा है, दो से दो तिया छः, दो से ये 10 बार कट गया। तो अब तुम्हारा कितना आया उत्तर, इन तीनों का गुणा करो 5, 9.8, तो 9.8 का इसमें करूँ गुणा 5 में, 5×8=40, ठीक है, और 5×45 और 4 कितना हो गए, 49। और एक जीरो इसकी आ गई और एक पॉइंट में चली जाएगी, ये पॉइंट लग रहा है, तो अपॉन 3। अब इसमें क्या होगा, 490 में आप 3 का भाग दे दो ऐसे, तो आपका आंसर आएगा 3×1=3, बचा 1, 3×6=18, 6 बार गया, 1 बचा, 3×3=9, बचा 1, पॉइंट लगा के लग दो 3, क्योंकि यहाँ ये जाएगा। तो ये कितना आया तुम्हारा, 163.33 वाट। इसकी शक्ति कितनी होगी, इतने वाट हो गए। तो ये थे आपकी शक्ति, शक्ति किसे कह रहे थे, कार्य करने की दर, किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये शक्ति होगी, शक्ति का सूत्र लिखिए, तो पी बराबर W/2, ये सूत्र हो गया शक्ति का, ये सूत्र है। और ये मात्रक क्या है शक्ति का, जूल पर सेकंड, वाट है, तो वाट हो गया। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड लिख लो या वाट लिख दो, एक ही बात है। अब इसके बड़े मात्रक हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, या 10³ कह दो वाट, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, जो विद्युत का उत्पादन होता है वो मेगावाट में होता है। मशीन या मोटरों की शक्ति अश्व शक्ति में नापी जाती है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, लिख दिया तो यहाँ पर 746 वाट। अब वो पूछ रहे 5 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 में कितने होंगे, 10 का गुणा कर दो इसमें। आप शक्ति के अन्य सूत्र लिखे हमने, ये यहाँ पर पी बराबर W/T, W नहीं दिया हो तो आप MgH/T लगा दो, और यहाँ पर यहाँ ½MV² / TT भी लगा सकते हैं। यदि प्रारंभिक अंतिम वेग दोनों दिए हैं तो ½MV² - U² / 2T, ये भी दो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये शक्ति के अन्य सूत्र हो गए, है ना। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति को छोड़ते हैं, अब यहाँ एक क्वेश्चन करा हमने, तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। अब आप यहाँ देखेंगे शक्ति का जो SI यूनिट है, हमने क्या लिखा था, वाट। तो अब कहे 1 वाट को परिभाषित कीजिए, 1 वाट को परिभाषित कीजिए, तो 1 वाट कब आएगा आंसर इसको, 1 ये होगा, तो 1 ही ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 वाट, कितना हो जाएगा, 1 वाट। तो 1 वाट क्या हो गया, 1 वाट की डेफिनेशन बताओ, यदि किसी मशीन व्यक्ति द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 1 वाट, करेक्ट। भाई कोई व्यक्ति है या मशीन है, 1 सेकंड में कितना कार्य करे, 1 जूल। यदि किसी व्यक्ति वस्तु मशीन द्वारा क्या हो, 1 सेकंड में किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल हो, 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसकी शक्ति कितनी होती है, 1 वाट होती है। कितनी होगी उसकी शक्ति, कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो 1 वाट परिभाषित हो गया तुम्हारा।
यदि किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा एक सेकंड में किया गया कार्य एक जूल हो तो उसकी शक्ति कितनी होती है? एक वाट। तो एक वाट ये हो गया तुम्हारा, एक वाट परिभाषित हो गया। तो इस तरह हम शक्ति और कार्य से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जिनमें हमें यही देखना पड़ेगा यहाँ पर ये क्या दिया है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा है ना यहाँ पर व्यक्ति द्वारा 1000 जूल कार्य, 1000 जूल कार्य क्या होता है? 10 सेकंड में किया जाता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति की गणना करो। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये क्या है, 1000 जूल कार्य, ये क्या हो गया कार्य, W बराबर क्या हो गया 1000 जूल हो गया, ठीक है। और 10 सेकंड क्या है, समय, समय T बराबर 10 सेकंड हो गया। तो वो कह रहा है शक्ति P बराबर पूछ रहा है, तो अभी ने बताया शक्ति P बराबर क्या होती है, W अपॉन T। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, W दे रखा है, T दे रखा है, और T किस में लगाएंगे, सेकंड में, ध्यान रखना। तो P बराबर W अपॉन T, W का मान कितना है 1000 और T का मान कितना है 10 सेकंड। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1000 वाट। कितनी होगी शक्ति, या इसको क्या लिखें 1 किलोवाट, क्या लिख देंगे 1 किलोवाट। शक्ति कितनी आ गई 1 किलोवाट। ऐसे इसमें अध्याय में आंकिक प्रश्न दिए हैं, उनको आप कर सकते हैं इसी तरह। तो ये थी शक्ति और कार्य। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।